सनातन संस्कृति में श्रावण माह का एक अनूठा महत्व है। इस महीने को एक पवित्र माह के रूप में देखा जाता है और इस महीने भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व बताया जाता है। आज के इस यात्रा वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के दमोह जिले के एक ऐसे ही शिव मंदिर की कहानी, जो न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण अनूठा है, बल्कि भक्ति और श्रद्धा के कारण लाखों श्रद्धालुओं के बीच काफी लोकप्रिय भी है। ये तस्वीरें दमोह जिले से 65 किलोमीटर दूर बसे गैसाबाद से 2 किलोमीटर दूर पर स्थित दमोह और पन्ना जिले की सीमा पर मौजूद ब्यारमा नदी की हैं। ब्यारमा नदी के बीच स्थापित भगवान शिव शंकर की दिव्य शिवलिंग को दूर दूर से दर्शन करने के लिए लोग श्रावण के इस महीने में पहुंचते हैं। इसे सुप्रसिद्ध शिव जल खंडेश्वर मंदिर के रूप में जाना जाता है। भक्त इसे जलखंडी बाबा का स्थान पुकारते हैं। सावन के महीने में यहाँ लोगों की संख्या बढ़ जाती है। आमतौर पर वर्ष भर यहाँ श्रद्धालु पहुंचते हैं, क्योंकि यह स्थल भक्ति और आकर्षण का केंद्र है। लोगों का मानना है कि सावन मास में शिवलिंग की पूजा अर्चना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रावण मास में यहाँ भक्त जलखंडेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भोलेनाथ के दर तक पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को पानी में से होकर गुजरना पड़ता है। बीच नदी में शिवलिंग स्थापित है और उसके चारों ओर नदी का पानी बहता रहता है। इस स्थान के बारे में स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि सन 1917 में कुछ मछुआरे रोज की तरह मछलियां पकड़ रहे थे, तभी बार बार उनके जाल में एक छोटा सा पत्थर फंस जाता था, जिसे वह जाल से निकालकर दूर फेंक देते, लेकिन फिर वही पत्थर इस जाल में आ जाता था। इससे परेशान मछुआरों ने उस पत्थर के टुकड़े को एक ऊँचे टीले पर रख दिया और मछलियाँ पकड़ने लगे। सुबह होते ही सन्यासी मठ के कुछ साधु संत नदी में स्नान करने आए तो अचानक ही उनकी निगाहें बीच नदी में एक टीले पर पड़े छोटे से शिवलिंग पर पड़ीं। साधुओं ने उस पत्थर को उठाकर सीधा किया और विधिवत पूजा आराधना के साथ इस शिवलिंग क्षेत्रवासियों के द्वारा जन सहयोग से इसी स्थान पर एक चबूतरे का निर्माण कराया गया, जिस पर शिवलिंग की स्थापना हुई। करीब 50 वर्षों से यह शिवलिंग इसी चबूतरे पर स्थापित है। क्षेत्रवासियों के मुताबिक बरसात के मौसम में यहाँ पर भीषण बाढ़ भी आती है, लेकिन चबूतरे पर स्थापित शिवलिंग टस से मस नहीं होता। जब नदी का पानी खाली होता है तो लोग देखते हैं कि चबूतरे पर शिवलिंग ज्यों का त्यों स्थापित है। शुरू शुरू में यह शिवलिंग बहुत छोटा हुआ करता था। पुजारी अपने हाथों से उठाकर इन्हें स्नान करवा सकते थे, लेकिन धीरे धीरे शिवलिंग का आकार भी बढ़ गया। किंवदंतियाँ कहती हैं कि भगवान शिव यहाँ आकार बढ़ा रहे हैं। ग्रामीण जनों द्वारा शासन प्रशासन से क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग भी समय समय पर की जाती रही है। हटा से सुदीप नगरिया की रिपोर्ट।